like the girls with their nails done long. रिवर्स वाला वर्ड ना मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और यू कैन सी लुक खतरनाक है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू बाई मैच प्रोडक्ट। ऐसे टंग स्लिप हो जाते हैं यार कभी कभार, तो बोला भी नहीं जाता। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे चल रहे हैं अपने, सब कुछ रटा हुआ है मैंने, ये आज ही देखा तो मैंने कहा यार बोल देता हूँ। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे चल रहे हैं अपने को, जाना है सुबह 9:30 निकल जाना है ग्रेटर नोएडा के लिए, दोस्त को पिक करना है और निकलना है क्योंकि उसका फ़ोन आया था। तो भाई अपने नवंबर से प्लानिंग चल रही है, टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो रखी है, जाना है, एक शो है मज़ेदार, मज़ा आने वाला है। तो भाई उसके लिए, क्योंकि वहाँ होगा क्राउड, और अपने की दाढ़ी देख रहे हो और ये बाल देख रहे हो बहुत बड़े हो रहे हैं, तो उसको कराएंगे छोटे, फिर आते हैं 2-3 साल छोटे होके, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, आपसे जब ही मिलते हैं, क्योंकि अभी फटाफट जाना है और करा के आना है, एक आधे काम हो रहा है, पावर बैंक वगैरह कब वो लेना है, दोस्त के यहाँ से जूते उठाने हैं, भाई बहुत ज़्यादा काम है। तो बाहर थोड़ी ठंड हो रही है, तो अपनी जैकेट वैकेट सब कुछ पैक हो रखा है अपने को। तो जाते हैं एक बारी 2 साल छोटे होके आते हैं, फिर आपसे तभी मिलते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। तो भाई आ गए हैं 2 साल छोटे होके, ठीक है भाई, डायरेक्ट अपने इवेंट पे आ गए हैं। आपको पहले क्राउड दिखाता हूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो भाई क्राउड जितना सोचा था ना, उससे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और भाई नाई को बोला था 2 साल छोटे करना है, उसने 4-5 साल छोटे कर दिए, देख रहे हो बिल्कुल छोटे। चलो एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं हम, कैप्शन और आप थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा, हम आए हैं भाई ऑटो एक्सपो जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर था। तो अब भाई पहले आप हम कवर करेंगे किया का, अंदर जाके किया का है, किया की कॉन्सेप्ट वगैरह कार हैं सब कुछ है, तो वो कवर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं भाई। तो भाई किया वगैरह की सारा यहाँ पे कुछ है, स्टार्टिंग होगी देखो यहाँ से। पहली अपनी आ गई है EV6, तो भाई EV6 है अपनी, ये रोड पे है, लेकिन इसका प्रीवियस वाला वर्जन ना मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और यू कैन सी द ब्यूटी इज हेयर एंड देयर। हाँ, इसका बैकग्राउंड देता हूँ आपको एक बारी, ईवी गाड़ी है, आ जाए करिए बैकग्राउंड। तो भाई EV6 ईयर ही लाल वाला, हाँ रिकॉर्डिंग करनी है। तो भाई इसका ऑन रोड प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतने में आपको कोई और कार मिल जाएगी, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक मिल रही है EV6 है। भाई इसका लुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बैक से काफ़ी मस्त है यार। प्राइस के मामले में काफ़ी ज़्यादा है भाई, ये बहुत ज़्यादा। चलो भाई नेक्स्ट कार पे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आयुष भाई अपना साथी ये भी है, ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है। ओहो, इधर एक और ब्लॉगर। तो चल भाई काफ़ी कवर करना है यार, काफ़ी उसमें है। तो भाई अगली है अपनी कॉन्सेप्ट कार, इसका मुझे नाम नहीं पता एक बारी, हाँ देखते हैं आगे जाके। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार ये, पास से दिखाता हूँ एक बारी, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कार है यार। तो उसके व्हील्स काफ़ी बड़े हैं, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ एक बारी। भाई सर कलर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, एंड वन मोर हेयर अ वाइट किया, इसका मुझको नाम नहीं पता। तो भाई ये कॉन्सेप्ट कार है ये वाली भी, एंड ये वाली भी देखो आने वाली है ये कार, में लॉन्च होगी, बट ये कॉन्सेप्ट कार है, प्योर कॉन्सेप्ट है। भाई फ्रंट से यार ये कुछ तो प्योर कॉन्सेप्ट कार है इसका, भाई लुक बहुत ही ज़्यादा है भाई, ऐसे ना करो लुक खतरनाक है। अपने पास और भी आगे उधर भी दिखाते हैं, वी हैव अनदर, ये तो नॉर्मल भाई पुलिस कार है, देख ऊपर लगाया मान लो जैसे गाड़ी का नंबर नोट करना, कैमरा लगा। भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है, अभी है अंदर EV। इसका आपको
फ्रंट से दिखाता हूँ एक बारी, ये वाइट में से भाई। यहाँ पे मुझे दो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी यार, एक तो EV6 है अपनी जो मैंने आपको दिखाई वाइट रंग की है, उधर रेड कलर की है, एंड एक कॉन्सेप्ट कार है उस तरफ ब्लू कलर में, भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी दो गाड़ी, बाकी तो नॉर्मल सोनेट वगैरह भी थी। एंड यहाँ भाई कुछ गेमिंग का सेटअप है, अब चलते हैं आई थिंक टोयोटा में जाएंगे या किस में जाएंगे चेक करते हैं एक बारी, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, भाई हुंडई में आ गए हैं, हुंडई में अपने पास भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, वर्जन के अंदर है काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, कभी नहीं करना सुबह आके काम प्रोफाइल भाई इसका कुछ इस तरीके से है, लॉन्च के लिए आया था, आयोनिक 5 है ये, अपना साथी कहाँ चला गया भाई। अभी हम हैं दिख रहा होगा इथेनॉल पवेलियन के अंदर, अब चलिए हाँ इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नेक्स्ट होल के अंदर चलते हैं फिर आपको वहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे क्या है, ओपन कर सकते हैं क्या लोग, मैं वही सोच रहा था सारी गाड़ियों के अंदर नहीं बैठ सकते, किसी के अंदर बैठ भी सकते हैं वो अगर पूछना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी लॉक्ड है भाई, बाइक्स वगैरह हैं यहाँ पे जो अपकमिंग बाइक आने वाली हैं, बस ये तो गाड़ी आपके पास आई नॉर्मल।